चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। कोरोना काल में कई लोग किसी की सांसें लौटाने में मदद देने की बजाय कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर बुधवार को शहर में 2 एम्बुलेंस, 4 ऑक्सीजन सिलेंडर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी जनजाहिर है, लेकिन ऐसे में भी कई लोग किसी की सांसें लौटाने में मदद देने की बजाय कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। सिटी पुलिस ने 2 टवेरा कार में तैयार एम्बुलेंस से 3 जंबो और 1 छोटा सिलेंडर जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी। टीआई करण सिंह शक्तावत ने बताया कि एक गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए टवेरा एम्बुलेंस क्रमांक RJ 27 PA 77 11 और RJ 19 PG 35 05 की तलाशी लेकर उनमें से ऑक्सीजन के 3 जंबो सिलेंडर तथा 1 छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किया। बताया गया है कि सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे थे। पुलिस ने मौके से आरोपी नवीन पिता भगवान लाल गायरी उम्र 42 वर्ष निवासी मालखेड़ा, दीपक पिता राम प्रसाद माली उम्र 24 साल निवासी चचोर, सूरज पिता कंवरलाल मेघवाल उम्र 24 वर्ष निवासी नलखेड़ा थाना मनासा को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि एक नवीन गायरी मालखेड़ा का रहने वाला है और ये जो है राजस्थान पासिंग 2 एम्बुलेंस चलाता है और ये ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, फिर उन्होंने हमारे जो गोपनीय सूत्र हैं उनसे उसकी बात करवाई, तो वो जो सिलेंडर है उसको 18,000 रुपये में देने की बात उसने कही और इसके साथ ही उसमें रिफिलिंग जो कि 300 रुपये में रिफिलिंग होती है उसके लिए 4,000 रुपये की मांग की। इस तरह इस कोरोना काल में जो लोगों को मुश्किल वक्त है, ऑक्सीजन की एक एक सिलेंडर की दिक्कत हो रही है, उस समय ये इस ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए प्रमाणित होने पर फिर ट्रैप लगाकर इसको पकड़ा गया है। इस नवीन गायरी को और इसके साथ में इसके 2 ड्राइवरों को पकड़ा है और इनसे 4 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इस संबंध में नीमच सिटी थाने पर अपराध कायम किया गया है और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।